नमस्ते दोस्तों, बिहार भू राजस्व विभाग के द्वारा 3738 पदों पर बिहार सरकार के द्वारा बहाली होने वाली है। यहां आप देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 3883 है। यहां आप देख सकते हैं जरूरत के हिसाब से होगी बहाली। राज्य ब्यूरो पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन सभी पद तभी भरे जाएंगे जब सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राज्य कैबिनेट से इन पदों के सृजन और नियुक्ति की मंजूरी मिल चुकी है। विभाग ने इस नियुक्ति के लिए जो आदेश जारी किया है उसे में साफ कहा गया है कि अभी कम से कम जितने पदों की ज़रूरत होगी वही भरे जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य संसाधन की वर्तमान स्थिति के आलोक में नियुक्तियाँ होगी। फिलहाल आउटसोर्सेज से जारी ये नियुक्तियाँ होगी। बेल्ट्रॉन को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सभी पदों को भरने पर राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 1.5 अरब रुपये से अधिक का बोझ पड़ेगा। स्वीकृति पदों में सबसे अधिक 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। इन्हें सभी 534 अंचलों में 7-7 की संख्या में तैनात किया जाएगा। 4 मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स और 3 अंचल में तैनात होंगे। अनुमंडल और जिला स्तर पर एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त होंगे और इनकी संख्या 139 है। मुख्यालय स्तर पर सिस्टम एनालिटिकल का एक और प्रोग्राम के 5 पदों पर बहाली होंगी। सिस्टम एनालिटिकल को वेतन एवं भत्ता मध्य में सालाना करीब 11 लाख रुपये का भुगतान होगा। प्रोग्राम का मूल वेतन 47,600 और अनुमंडल एवं जिला तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर का मासिक मूल वेतन 35,400 रखा गया है। अंचल के डाटा एंट्री ऑपरेटर का मूल्य वेतन 25,500 रुपये तय किया गया है। मूल वेतन पर 17% महंगाई भत्ता देय है। सभी पदों के लिए मासिक चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपया निर्धारित किया गया है। दोस्तों, ये था राजस्व विभाग की सूचना। अब देखते हैं कि बिहार सरकार इसकी बहाली कब तक कराती है। जय हिंद दोस्तों।